अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कुवैत टुडे ब्रेकिंग न्यूज़ में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं शबी हसन और आप देख रहे हैं अमाफा हर्बल यूट्यूब चैनल की नई पेशकश। दोस्तों, आज इस वीडियो में आप जानेंगे, अगर आप इंडिया से कुवैत फ्लाइट ले रहे हैं तो इंडिया एयरपोर्ट से लेकर के कुवैत एयरपोर्ट तक की पूरी जानकारी और क्या है कुवैत देश के बनाए हुए रूल्स रेगुलेशंस, और अगर आप कुवैत देश से इंडिया जा रहे हो तो क्या क्या चीज़ों की होने वाली है आपको ज़रूरत, और कुवैत देश के हवाले से उनके देश के हिसाब से क्या है रूल्स जिनको करना पड़ेगा आपको फॉलो, तो इस वीडियो में आपको जानकारी मिलेगी कुवैत टू इंडिया फ़्लाइट के लिए और इंडिया टू कुवैत फ़्लाइट के रूल्स और रेगुलेशन के तहत आपको इस वीडियो में जानकारी मिलने वाली है। तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को अभी कर दीजिए सब्सक्राइब, अगर आप कुवैत देश के हवाले से सबूत के साथ हर एक न्यूज जानना चाहते हैं तो। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट है, कोई भी रूल्स को आपको अपने मोबाइल पे मंगवाना है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं ना, डिस्क्रिप्शन में जाओ भाई, एक लिंक पे क्लिक करो, मेरा नंबर आप नोट करिए और आप अपने मोबाइल पर जो रूल्स हैं, जो नियम हैं, अरबी हो या इंग्लिश, आप अपने रूल्स, अपने सबूत आप अपने मोबाइल पर मंगवा सकते हैं। बस आपको रिकॉर्डिंग के जरिए से हमें मैसेज करना पड़ेगा और मैं आपको वो रूल्स और वो नियम आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। दोस्तों, देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और आज इस वीडियो में हम पहले शुरुआत करने जा रहे हैं इंडिया टू कुवैत की फ्लाइट के रूल्स और रेगुलेशंस क्या फॉलो करना पड़ेगा, ये कुवैत देश के हवाले से कुवैत गवर्नमेंट की अपडेट के आधार पर मैं बता रहा हूं। इंडियन गवर्नमेंट के आधार पर कोई बात मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन जानना जरूरी है 31 जुलाई के बाद इंडियन गवर्नमेंट की जो अपडेट आएगी उसके तहत मैं आपको अपडेट कर दूंगा। लेकिन अभी कुवैत देश के हवाले से जो इंडिया टू कुवैत फ्लाइट की रूल्स निकल कर आ रहे हैं उसके लिए आप बने रहिए। दोस्तों, हमारी बातों को बहुत ही ध्यान से आप सुनिएगा। नंबर एक, अगर आपको इंडिया से कुवैत आना है तो आपके पास कुवैत गवर्नमेंट की अपडेट के आधार पर आपके पास वैलिड अकामा सिविल आईडी होना चाहिए और आपका पासपोर्ट ओरिजिनल होना चाहिए, एक्सपायरी डेट भी मैक्सिमम रहे। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप इंडिया से कुवैत आ रहे हो तो अपने कफील, अपने बॉस, अपने मैनेजर से, अपने कुवैती से आप पूछ लीजिए, क्या मुझे आप बुला रहे हो और क्या मेरी जॉब सिक्योर है, क्या मुझे सैलरी मिलेगी। ऐसा ना हो कि आप कुवैत में आए और यहाँ पे काम ना होने की वजह से और आपको सैलरी ना मिले और इस तरीके से आप यहाँ पे बेरोज़गार हो जाएं तो आने वाले वक्त में आपको भारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आप लोग जो हैं इंडिया से कुवैत आ रहे हो तो अपने कफील से ज़रूर बात कर ले। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपका अकामा एक्सपायर होने वाला है और या एक्सपायर हो गया है तो इसके लिए भी अपने कुवैती, अपने कफील से बात कर ले, क्योंकि 28 जुलाई के बाद जो लॉकडाउन यहां पर लगा हुआ था वो 28 जुलाई के बाद लॉकडाउन फेज 3 लागू कर दिया गया है। सारे प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंटेड सेक्टर 50% कैपेसिटी के तहत वर्क करना शुरू कर दिए हैं। ऐसी कंडीशन में दोस्तों, अगर आपकी कुवैत में जॉब है, कफील के घर पर हो या जॉब किसी ऑफिस में हो या किसी कंपनी में हो या आप बकाले या दुकान पर काम करते हो, एक्स वाई जेड कोई भी काम हो तो अपने कुवैती से आप बोल सकते हो, आने के लिए बात कह सकते हो। और अगर आपका अकामा एक्सपायर होने वाला है या एक्सपायर हो चुका है तो अगर आपका कफील चाहता है आपका अकामा रिन्यूअल भी कर सकता है और उसकी एक फोटो आपको भेजेगा, उसके तहत भी आप इंडिया से कुवैत आ सकते हो। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट ओके हैं तो आपको पीसीआर कराने की आवश्यकता है। पीसीआर आपको कराना पड़ेगा, ये ज़रूरी है। पीसीआर कोविड-19 मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए अभी कोई भी गम का पैथोलॉजी या एयरपोर्ट की पैथोलॉजी कोई भी फाइनल अप्रूव्ड नहीं हुई है। इंडियन गवर्नमेंट की अपडेट आने के बाद ये अप्रूव्ड होंगी और यहाँ पर आप जो पीसीआर कराएंगे तो वो कागज़ आपका मान्य होगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप इंडिया से कुवैत आना चाहते हो, इंडिया टू कुवैत की फ़्लाइट लेना चाहते हो तो ये रूल्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा। और जब आपका मेडिकल हो जाए, पीसीआर हो जाए, आपको मेडिकल सर्टिफिकेट मिल जाए तो वो करीबन आपका 96 घंटे के अंदर होना चाहिए, यानी कि ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, लेटेस्ट आपका पीसीआर होना चाहिए, उसके तहत आप फ्लाइट ले करके इंडिया से कुवैत आ सकते हो। इसके अलावा दोस्तों, कुवैत गवर्नमेंट के आधार पर
देखा जाए तो कुवैत देश ने 3 राज्यों को शामिल किया है, मुंबई, दिल्ली और चेन्नई। इस राज्य से, इस एयरपोर्ट से आप जो है इंडिया से कुवैत के लिए रवाना हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आने वाले वक्त में देखा जाए तो अगर उद्धव ठाकरे की सरकार और केजरीवाल की सरकार, जहां पर कोरोना का सिस्टम ज़्यादा है, अगर परमिशन मिलता है तो फ्लाइटें जाएंगी और नॉर्मल तरीके से आएंगी भी। लेकिन दोस्तों, सवाल ये उठता है कि बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो अलग अलग राज्य के रहने वाले हैं और उनको इंडिया से कुवैत आना है अपनी जॉब के पर्पज़ से, तो वो कैसे आ पाएंगे? इसके लिए 31 जुलाई के बाद अपडेट इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से आएगी, तो मैं आपको अपडेट जरूर कर दूंगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपके पास PCR वगैरह कंप्लीट कागज हो जाता है और आपका कुवैती बुलाता है, किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तब आप जो है 96 घंटे के अंदर PCR COVID-19 मेडिकल सर्टिफिकेट लेकर के आप इंडिया से कुवैत आ सकते हो। इसके लिए आपके एयरपोर्ट पर आपका टेम्परेचर चेक किया जाएगा, 1 से 2 मरतबा 3 मरतबा भी चेक किया जा सकता है, और PCR COVID-19 मेडिकल सर्टिफिकेट की रिपोर्ट निगेटिव होना चाहिए। अगर निगेटिव है तभी आप जा सकते हो, अगर पॉजिटिव कैटेगरी में आए तो आपको नहीं जाना है और ना ही आपको परमिशन मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों, कुवैत देश में अगर आप आना चाहते हो तो आपके हाथों में दस्ताने और मास्क होना ज़रूरी है, सैनिटाइजर का भी यूज कर सकते हैं, आपके हैंडबैग में भी होना वो चीज जरूरी है, और कुछ चीजें आपकी दवाएं वगैरह भी हैंडबैग में होना बहुत ही जरूरी है। इसके अलावा दोस्तों, कुवैत देश में जब आप एंट्री करोगे, इंडिया टू कुवैत फ्लाइट लेने के बाद जब एंट्री करोगे, तो आपका यहां पे कुवैत देश में जो एयरपोर्ट है वहां पे आपका 2-3 बार आपका बुखार यानी कि टेम्परेचर चेक होगा। अगर टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो ऐसी कंडीशन में आपको क्वारंटाइन किया जा सकता है, और वैसे भी आपको यहाँ पर कुवैत देश में 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन रखा जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, ये सब रूल्स के तहत आपको श्लोनिक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। इंडिया से आ रहे हो तो आप वहाँ भी डाउनलोड कर सकते हो, कुवैत में एंट्री कर रहे हो तो वहाँ भी आप डाउनलोड कर सकते हो, और जब आप श्लोनिक ऐप डाउनलोड कर लोगे तो उसके आधार पे आपको मोबाइल नंबर वगैरह और भी रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। इसकी इन्फॉर्मेशन आप हमारे चैनल पर श्लोनिक ऐप का, ये जो आपको फोटो दिख रही है, इस वीडियो को आप देख सकते हो। इसके अलावा दोस्तों, कुवैत देश के एयरपोर्ट से जब आप शहर में एंट्री करोगे तो आपको होम क्वारंटाइन होना पड़ेगा। अगर आप कफील के यहाँ काम करते हो तो आपका जो कमरा होगा वहाँ पर आप क्वारंटाइन हो सकते हो, और इसके अलावा अगर कंपनी में जॉब करते हो और कंपनी आपको अलग से सुविधा देती है तो इसके लिए होम क्वारंटाइन आप हो सकते हो, और 14 दिन के होम क्वारंटाइन के बाद आपका यहाँ पर मेडिकल टेस्ट एक और होगा, और उसके बाद आपकी अगर रिपोर्ट नॉर्मल निकलती है, निगेटिव आते हैं, तो ऐसी कंडीशन में आप यहां पर एक नॉर्मल जिंदगी जी सकते हैं और कोई भी फाउंडेशन आपके ऊपर नहीं होगी, और आप एक तरीके से देखा जाए तो जो भी काम करने के लिए आए थे, जो भी जॉब के पर्पस से आए थे, आपका काम स्टार्ट हो जाएगा और आपको जॉब पर काम पर ले लिया जाएगा। दोस्तों ये थी अपडेट आपकी इंडिया टू कुवैत फ्लाइट को लेकर के, जो कुवैत देश के हवाले से जितने भी रूल्स और रेगुलेशंस आपको फॉलो करना है मैंने आपको उस तरीके से बताया। लेकिन दोस्तों, आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी कानून में बदलाव या कोई इंडियन गवर्नमेंट की अपडेट आती है तो उसके तहत आपको नोटिफिकेशन के जरिए से पूरी जानकारी मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप कुवैत देश में रहते हो और इंडिया जाना चाहते हो तो कोई चीज़ के आप परेशानी मोल लेने की ज़रूरत नहीं ना, कोई भी PCR कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं ना। आप जिस तरीके से वंदे भारत मिशन Phase 4 के तहत जा रहे हो या चार्टर्ड फ्लाइट के जरिए से जा रहे हो, आगे भी ऐसे ही जाते रहोगे, कोई भी दिक्कत नहीं ना। ऑलरेडी आप पहले से भी अपडेट है जो कुवैत देश से इंडिया जाना चाहते हैं वो लोग। और इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए। अगर आप कुवैत देश के हवाले से सबूत के साथ हर एक न्यूज़ जानना और समझना चाहते हैं तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगेबान।